Assalamu alaikum, this is me, Ginza Umar. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I welcome you all to Javed Publishers, in which today I'm here to teach you Kids Science Grade 4, Chapter Number 1. Jaisa ki humne pichle 7 pages mein discuss kiya, different characteristics thi, ye sab kuch tha. Today we'll discuss Chapter Number 8, different body parts, jo hain, hamare different organs, jo hain, unke functions ko hum log isme discuss karenge. और पढ़ेंगे कि उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं. टुडे विल डिस्कस द पेज नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1. अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, हमें मेजर बॉडी पार्ट्स को डिस्कस करना है, ऑर्गन्स को डिस्कस करना है, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं. चले आए देखते हैं पेज नंबर 8. द बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच हैव स्पेशल फंक्शंस टू डू. दीज ऑर्गन्स वर्क टूगेदर, सम आर एक्सटर्नल. लाइक एक्सटर्नल का मतलब है जो हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, मतलब हमारे हाथ हमें नज़र आ रहे हैं, हमारी टांगें हमें नज़र आ रही हैं, हमारा फेस नज़र आ रहा है, हमारी स्किन नज़र आ रही है, हमारा माउथ नज़र आ रहा है. तो ये जो हैं सारे ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. अदर आर इंटरनल लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक. लाइक हमें पता है कि हमें ब्रेन है, हम उसको टच नहीं कर सकते, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं. स्टमक है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है. लिवर है, किडनीज हैं, ये सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हैं तो पार्ट बॉडी और बॉडी का ही पार्ट है ना. So some organs are external and some are internal. Let's know about different organs और बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन. अब मेजर बॉडी पार्ट्स को क्या है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द मेजर बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ब्रेन, टीथ, लंग्स, हार्ट, स्टमक, मसल्स एंड बोन्स. सो फर्स्टली वी डिस्कस द ब्रेन. Brain, well developed working brain is the best evolutionized body organ that vertebrates have. Brain का क्या है, vertebrates में brain जो है वो होता है specialized. Brain क्या है, हमें सोचने समझने की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है. हम अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, डिफरेंट चीज़ों को हम रिस्पॉन्ड करते हैं. जब किसी ठंडी चीज़ को या गर्म चीज़ को हम टच करते हैं, एकदम से हमें हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ब्रेन, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, इट इवन फंक्शंस ड्यूरिंग स्लीप. सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्रेन ने जो है कंट्रोल किया हुआ है. हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस, व्हाट इज़ सेफ फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट सेफ फॉर अस, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्रेन ने कंट्रोल की हुई हैं. अब अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि ब्रेन जब हम सो रहे हैं वो तब भी काम कर रहा है. इट इज़ द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स इन द बॉडी. अगर हम कहें कि कोई एक सेंटर है हमारी बॉडी में, तो हम ब्रेन को कंसिडर करेंगे कि वो एक सेंटर है पूरी बॉडी जिसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, जिससे पूरी बॉडी को देखना है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट ओवर देयर. सो ब्रेन कर रहा है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज़ टीथ. टीथ आपको पता है दांतों को जैसा कि हम कहते हैं. टीथ क्या है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है, टिश्यू से मिलकर बना होता है. ये क्या करता है, च्यूइंग करता है, और हम लोग जो फूड खा रहे हैं उसको इस काबिल बनाता है कि वो फर्दर आगे जा सकें. तो टीथ के भी आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स. बर्ड्स में टीथ नहीं होते. एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट फूड डायरेक्टली, इट इज़ द फर्स्ट च्यूड बाय टीथ. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. अ रीसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट टीथ आर इवॉल्व्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ जॉज इन द एनिमल्स. ओके, अब हमें वो बता रहे हैं कि रिसर्च की गई कि टीथ कहाँ से ग्रेजुअली आए हमारे पास. तो वो कहते हैं कि ये जॉज जो थे एनिमल में, जिसे हम लोग जबड़ा बोलते हैं, वहाँ से टीथ जो थे इवॉल्व हुए थे. अब हमारे पास ह्यूमन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं जो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ इनसीजर्स, देन वी कम्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर. एक एक करके हम इनका फंक्शन डिस्कस करते हैं. इनसीजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइटिंग और कटिंग ऑफ फूड. जब हम फूड अंदर लेके जाते हैं तो जो हम बाइट और कट कर रहे हैं, तो वो जो है वो इनसीजर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर आगे आते हैं कैनाइंस पे, पर्सिंग एंड टियरिंग ऑफ फूड. फिर प्री मोलर्स, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. क्या करते हैं कि वो उसको कम इतने मटेरियल में लेके आते हैं कि जिससे आगे जो है फर्दर मूव करना आसान हो जाए. फिर हम आते हैं मोलर पे, जो क्या करते हैं, अगेन ग्राइंडिंग ही कर रहे हैं. मोलर और प्री मोलर जो हैं वो एक वो ऐसे काम करते हैं कि वो फूड को इतना छोटा इस तरह का पार्टिकल बना दें कि आगे फर्दर जो है वो डाइजेशन आसान हो जाए और फर्दर उसको अंदर जाने में आसानी हो जाए. ओके, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. स्नेल्स हैव द मोस्ट नंबर ऑफ टीथ देन एनी ऑफ अदर एनिमल. वो कहते हैं कि स्नेल जो है उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ हैं अगर किसी भी और एनिमल से हम लोग उसका कंपैरिजन करें. द टीथ ऑफ एन एक्वेटिक स्नेल कॉल्ड
called the limpet are the strongest known biological material on earth, even stronger than titanium. उन्होंने उसको बताया कि उसे क्या कहते हैं लिम्पेट जो है वो कहते हैं बायोलॉजिकली जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल है किसी भी और अदर ऑर्गेनिज्म के. देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लंग्स. अब लंग्स भी क्या है, ये भी इंटरनल ऑर्गन है. लंग्स का काम क्या है, लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ब्रीदिंग में काम करते हैं. जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो किसने कंट्रोल किया हुआ है, वो लंग्स ने कंट्रोल किया हुआ है. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग एक्सेप्ट फिश. फिश हैव गिल्स इन प्लेस ऑफ लंग्स. फिश में जो है वो ब्रीदिंग के लिए लंग्स नहीं होते, लेकिन फिर वही बात है कि अगर लंग्स नहीं है तो फिर वो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने उनमें गिल्स जो है वो रखे हुए हैं लंग्स की बजाय, जो ब्रीदिंग में रोल प्ले कर रहे हैं. गिल्स होते किस तरह के हैं, गिल्स आर पाउच्ड पैक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड विद थ्रोट हैविंग ओपनिंग स्लिट्स. Invertebrates lungs go on more systematic and scientific and function in higher classes. Mammal had the most complex lung in the chain. वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो आगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सर्च करते हो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो, तो वो ये स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता जाता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जब आप लोअर से स्टार्ट करते हो और अपर फर्दर प्रोसीड करते हो, जैसे मैमल्स में आ जाते हो, लाइक ह्यूमन्स में आते हो, तो हमें एक बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लंग्स का. जैसे उसमें ब्रीदिंग के लिए किस तरह से ऑक्सीजन अंदर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है. वो लंग्स इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि उसमें डायाफ्राम है, वो डिफरेंट एक जैसे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स टाइप का नीचे स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि वो जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं या बाहर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो वो कैसे वर्किंग कर रहा होता है एट द सेम टाइम सारा वो लंग्स को मेंटेन करने के लिए. यहाँ पे लंग्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो हैं उन्होंने दिखाए हुए हैं, एम्फीबियंस के दिखाए हुए हैं, रेप्टाइल्स के दिखाए हुए हैं. अब आप ये देखें कि मैमल्स में कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सारा उसका, जिससे वो क्या है कि वो ब्रीदिंग का फर्दर प्रोसीजर जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट. हार्ट आपको जैसे कि पता है कि पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड अराउंड द बॉडी. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन फॉर पंपिंग ब्लड इन द बॉडी, इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स. अब हार्ट काम कैसे करता है कि उसके फर्दर फोर चैम्बर्स बनाए गए हैं, जिससे वो हर चैम्बर जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. एंड देर आर थ्री इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. इट इज़ यूजली कनेक्टिंग टू द होल बॉडी थ्रू कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज. अब बात आती है कि पंपिंग तो करता है ब्लड में, लेकिन कुछ तो ऐसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से वो क्या है कि पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, या पूरी बॉडी को वो ब्लड जो है वो दे रहा है. तो वो जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से मिलकर बना होता है कि कौन ब्लड लेके जा रहा है, कौन ब्लड लेके वापस आ रहा है, कौन उसको सारा फर्दर पंप कर रहा है. वो सारा जो है वो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो हार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं. Then moving towards the interesting information, heartbeat of a healthy person is about 70 times per minute. एक सिंगल मिनट में हम 70 टाइम्स जो है वो हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है. इफ़ अ हार्ट ऑफ फ्रॉग इज कैप्ट इन अ सलाइन, सलाइन कहते हैं सॉल्टिश वाटर को, मतलब उसमें सॉल्ट एडेड होता है. इट विल कीप ऑन बीटिंग आउटसाइड द बॉडी फॉर अबाउट 14 डेज. अगर हम लोग हार्ट फ्रॉग का निकाल के एक सॉल्टिश वाटर में, सलाइन वाटर में रखते भी हैं, तो वो 14 दिन तक जो है वो बीट करता रहता है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टमक. स्टमक जैसा कि आपको सबको पता है कि स्टमक जो है वो रोल प्ले करता है डाइजेशन में. द बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इज कॉल्ड स्टमक. इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. इट ब्रेक्स द फूड इंटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय एक्सक्रीटिंग वेरियस जूसेज दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. क्या है कि लेफ्ट साइड पर होता है एक बैग नुमा स्ट्रक्चर होता है. अब यहाँ से डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जूसेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, लाइक गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या करता है कि फर्दर जो है इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है. फैट जो है वो भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ से ये सारे जो है वो जूसेज एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स पे वर्क कर रहे होते हैं. फैट की इमल्सिफिकेशन कैसे हो रही है, सब कुछ हमारे स्टमक में हो रहा है. द स्टमक लाइनिंग इज रफ एंड फोल्डेड, अ लेयर ऑफ मसल कवर द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. आगे आ जाते हैं हम लोग मसल्स पे.
मसल्स आर फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, दीज आर सॉफ्ट, कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम अपनी बॉडी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कर लेते हैं. ये किस तरह से हो रहा था, ये सारा रोल मसल्स प्ले कर रहे होते हैं. अब ये मसल्स होते किस तरह के हैं, दे आर पिंक और रेड इन कलर. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, हमारे अंदर तीन टाइप के मसल्स हैं. सबसे पहले कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स. अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं. मसल परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन. मसल्स करते क्या है, मसल्स हेल्प लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स टू मूव. हम अक्सर कह रहे होते हैं कि हम हमसे मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्या होता है वहाँ पे, कोई मसल रप्चर हो गया होता है, या कोई स्वॉलन है, या कोई जब वो स्पेसिफिक ऑर्गन में जो वो मसल है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट में ये प्रॉब्लम कर रहा है. दीज मूवमेंट आर कैरी आउट बाई मसल्स एंड बोन्स जॉइंटली. दीज मूवमेंट्स एनेबल अस टू सिट. हम बैठते हैं तब भी मसल वर्क कर रहे हैं, हम एकदम से खड़े होते हैं तब भी मसल वर्क कर रहे हैं, हम वॉक करते हैं तब भी मसल वर्क कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं तब भी मसल कर रहे हैं वर्क. अब मैं बोल रही हूँ तब भी मसल्स वर्क कर रहे हैं, मैं कुछ लिख रही हूँ तो भी मसल्स वर्क कर रहे हैं, मैं कुछ सुन रही हूँ, ये जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, अब जो भी कर रहे हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं. हार्ट, स्टमक, लंग्स, सब में मसल्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं. Human heart is a hollow muscular organ. Muscles make the food to move down. अब हमने खा लिया food, तो फिर कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो वो आगे further proceed करे, कि हमारे stomach में जाए, digestion हो, उसके बाद जो उसका excrete out होना है, जो material हमें नहीं चाहिए, तो वो सारा काम जो है वो muscles करें. It also move air to get in and out of our body. अभी हमने lungs में discuss किया कि breathing में हम लोग oxygen अंदर लेके जा रहे हैं, carbon dioxide बाहर लेके आ रहे हैं, तो वो कैसे लेके आ रहे हैं, वहाँ पे मसल्स जो हैं वो इतना रेडी टू मूव होते हैं, वो इतनी अच्छी तरह वर्क कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन अंदर भी आ रही है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, लेकिन मसल्स इतनी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा. एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बोन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट. बोन्स आर प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स. हमें पता है बोन्स, जैसे हम लोग हड्डियाँ बोलते हैं, आप अगर महसूस करना चाहो अपने रिस्ट को यूं करके पकड़ो तो आपको यहाँ पे बोन्स जो हैं वो पता चल जाएंगी. आप अपनी बॉडी पे, बैक पे हाथ लगाओ, जैसा कि हम लोगों ने बैक बोन में पढ़ा, आपको बोन्स का पता चल जाएगा. ये होता क्या है, देयर आर हार्ड टिश्यूज ऑफ डिफरेंट साइजेज, ये यूजली मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट विच मेक देम हार्ड. ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है. हार्ड होता कैसे है कि इनमें कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है, जो इनको क्या करता है, हार्ड कर देता है. दे आर अरेंज्ड इनटू स्पेशल फ्रेमवर्क विच इज़ कॉल्ड स्केलेट. अगर यहाँ पे आप देखो, ये मॉन्की है, ये फ्रॉग बनाया हुआ है, तो ये इनके स्केलेटन्स हैं. स्केलेटन क्या है कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन होता है, जो वो सारा इकट्ठा किया होता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा होता है कि आया ये स्केलेटन है. द स्केलेटन, अब स्केलेटन का काम क्या है, ये बॉडी को प्रॉपर शेप दे रहा है, बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है कि हम लोग ये खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, तो हमारे अंदर एक पूरा अल्लाह ताला ने फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स रखा हुआ है, जो हमें क्या कर रहा है कि हम खड़े हो सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट दे रहा है, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप दे रहा है. ये सारा जो है वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स में हम लोग कंसीडर करते हैं कि बोन्स में क्या है. हम लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर बच्चों में, बड़ों में, जिसमें भी, तो वहाँ पे वो क्या है कि वो हमारी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और प्रॉपर हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होती, प्रॉपर हम वर्क नहीं कर रहे होते. तो ये सब कुछ जो है वो हमारा फ्रेमवर्क ऑफ बोन जो है वो उसमें कंसीडर किया जाता है. तो हम एग्जांपल्स देखते हैं. ये क्रोकोडाइल, फ्रॉग, मॉन्की, ये ह्यूमन का स्केलेटन उन्होंने बनाया हुआ है. इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बोन्स हैं, कैसे मिलके वो काम कर रही हैं, और सारा कुछ जो है वो उसके अंदर कंसीडर किया जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. कीप वॉचिंग द वीडियोज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ. थैंक यू.